हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीसा बेंगानी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मुझे गार्डनिंग का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं वहाँ से कुछ ना कुछ प्लांट लेकर ही आती हूँ, चाहे वो केरला हो, राजस्थान या इंदौर। तो चलिए देखते हैं मेरे टेरेस गार्डन को। दोस्तों, मुझे प्लांट्स इसलिए पसंद है क्योंकि प्लांट्स हमारे माइंड्स को रिफ्रेश करते हैं। हर समय इतने सुंदर लगते हैं। देखिए, हर घर में अगर प्लांट्स हो तो घर की सुंदरता तो निखरती ही है और हमारा वातावरण भी साफ और अच्छा हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरे ये प्लांट्स अच्छे लगेंगे। चलिए सबसे छोटे पौधे से शुरुआत करते हैं। ये टमाटर का पौधा है, ये का प्लांट है। इसमें येलो और पिंक दो तरह की वैरायटी है मेरे पास। इसमें बहुत वैरायटी आती है। और इसके सीड देखिए, इसी के अंदर इसके जो फ्लावर्स है वो सूखेंगे तो ये सीड बन जाएंगी। ब्लैक ब्लैक देखिए, ये इसी से हम नया पौधा ग्रो कर सकते हैं। ये एडेनियम है, इसमें भी बहुत वैरायटी आती है, लेकिन इस एडेनियम में रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये चमेली का पौधा है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये मेरा सबसे पुराना पौधा है, ये भी बहुत पुराना है मेरा। और इसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसमें भी अलग अलग शेड आते हैं। और इसे तो सब जानते ही है, एलोवेरा है, तो इसे तो हम घर में बहुत यूज़ में लेते हैं। कभी स्किन पे लगाने में, कभी बालों में काम आ जाता है। ये 12 o'clock प्लांट है, इसमें बहुत कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन अभी विंटर्स में इसके फ्लावर्स नहीं आते हैं। गर्मी के दिनों में इसमें बहुत फूल आते हैं। इसमें भी बहुत वैरायटी आती है, इसको मनी प्लांट भी बोल सकते हैं। और ये एप्पल का प्लांट है, ये तो सीड जो घर में एप्पल खाते हैं तो बच्चों ने ऐसे ही डाल दिया इसमें, और ये ग्रो भी कर गया और देखिए इतना बड़ा हो गया है। और ये प्लांट तो मैं कहीं से कटिंग लाई थी, मैंने इसमें कोशिश की कि ये चल जाए, तो हो सकता है इसमें रूटिंग हो गई हो और ये चल रहा है वैसे। और ये छोटा सा सिलोसिया का ही प्लांट है, इसमें साथ में मैंने उस क्रिस्टेनियम की कटिंग भी लगा रखी है। ये देखिए, ये मैंने घर पर ही कंपोस्ट तैयार की हुई है, जो घर में किचन से वेस्ट निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, वो सब मैं एक बार इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर उसको एक बाल्टी में ऐसे डाल के, अब मैंने इसको सूखने के लिए रखी हुई है, तो ये पौधों की जो पत्तियाँ गिरती रहती है वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ, तो वो धीरे धीरे कंपोस्ट का रूप ले लेती है और उसे हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये टिफिन बचिया का प्लांट है, और ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, और इसमें से नए प्लांट अपने आप निकल आते हैं, उन्हें अलग करके हम नया पौधा बना सकते हैं। ये मेरे 3 नींबू के प्लांट है, एक तो मैंने देखिए छोटी बॉटल में ही लगा रखा है, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी, नई नई लीव्स आ रही है इसमें, लेकिन अभी तक इनकी फ्लावरिंग हुई नहीं है। ये 4 साल के हो चुके हैं, ये मैंने घर पे ही सीड से लगाए हैं। ये मिर्ची का पौधा है, अभी तो इस पर मिर्ची नहीं है, लेकिन मैंने इस पर 2 बार मिर्चियाँ उतार ली, बस एक मिर्ची है अभी, ये छोटी सी आई हुई है, देखिए मैंने इसमें से 10-10 मिर्ची 2 बार उतार ली है। ये मेरे छोटे छोटे 2 टमाटर के प्लांट हैं, ये पालक के हैं जो मैंने सीड से ही घर पे ग्रो किए हैं। ये सेलोसिया का प्लांट है, इसमें भी सीड बनेंगे, अभी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। ये भी सेलोसिया का प्लांट है, ये दूसरी वैरायटी है, इसके पत्ते ग्रीन है, उनके पत्ते रेड थे। ये कॉक्सकॉम के प्लांट है, जो मैंने 2 सीड से ही ग्रो किए हैं। ये सकुलेंट प्लांट है, अभी ये अच्छी ग्रोथ पे आया, नहीं तो ये कब, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है, ज़्यादा पानी देने से ख़राब हो जाता है। ये पालक का है, छोटे छोटे पत्ते आए हुए हैं अभी, ग्रो किया है, वो मेरा मर गया पौधा है इसीलिए। ये क्रिस्टेनियम के है, जो मैंने कटिंग से ही लगाए हैं और अभी फ्लावरिंग पे आए हुए हैं सारे। ये मैंने 3-4 पौधे मेरे पिछले साल के थे, उसी को मैंने सेव करके उसी से अलग अलग कटिंग बना के और फिर बॉटल्स में लगाए हैं। देखिए, सारी पेप्सी, फेंटा और उनकी बॉटल है, उनको काट काट के मैंने उसमें ये पौधे ग्रो किया है। ये 3 क्रोटोन के प्लांट है, ये भी छोटे छोटे ही है, लेकिन इनमें कलरिंग बहुत अच्छी आ रही है, धीरे धीरे बड़े होंगे, वैसे वैसे बहुत सुंदर, ये इंडोर प्लांट में बहुत सुंदर लगता है। ये अनार का पौधा है, ये मैं 3 साल पहले साउथ से लेकर आई थी, जब लोग हम लोग गए थे घूमने के लिए। ये अभी तक देखिए इतना अच्छे से चल रहा है, बहुत छोटा सा लाई थी मैं इसको, और इसमें पिछले साल तो 10 अनार भी आई थी छोटी छोटी, इस बार अभी तक फ्लावरिंग हुई नहीं है, हो सकता है अब हो जाए। ये मेरे टमाटर के प्लांट है, जिसमें अभी इतने टमाटर भी आए हुए हैं, और मैंने 3-4 तो इनमें से निकाल भी लिए हैं, ये भी मैंने घर के सीड से ग्रो किए हैं। और ये छोटे से पालक है, फिर लगा के इसके साथ 2 टमाटर के भी प्लांट है, वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो फिर मैं इन्हें अलग पॉट में लगा दूंगी। ये थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल रखा है, उसमें से थोड़े पौधे ही ग्रो हुए हैं। ये मेरा पपीते का प्लांट है, और ये 4 साल का हो चुका है, इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट है 6'5", लेकिन इसमें फ्लावर छोटे छोटे आते हैं, लेकिन पपीता अभी तक बना नहीं है। ये मेरा तुलसी का पौधा है, और ये हर घर की नेसेसिटी है, ये सर्दी जुकाम और होने पर हम इसकी पत्तियों को चाय में डालकर या इसको पीस के ले सकते हैं, तो वो थोड़ा ठीक हो जाता है, हमें बहुत आराम मिलता है। ये लहसुन के पौधे हैं, इसे मैंने घर पे जो लहसुन होता है वही मिट्टी में डाल के दबाया है, और इसी से ये नए नए छोटे छोटे प्लांट निकले। अब इनकी जो ग्रीन लीव्स है उनको हम काट के और यूज़ ले सकते हैं, और जब ये पौधे मर जाएंगे तो फिर इनके नीचे हमें लहसुन मिलेगा खोदने पर। आप सब प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी तरह अपने घर में भी पौधे उगाइए और सुकून पाइए। थैंक यू।